हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीबी। आज हम थोड़े से मटेरियल्स के साथ इजी एंड ब्यूटीफुल लटकन्स बनाएंगे। ये लटकन्स 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर इजीली बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इन लटकन्स को बनाने के लिए मीडियम साइज़ के बीड्स लिए हैं और इससे थोड़े से स्मॉल साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं, स्मॉल साइज़ के लीव्स लिए हैं, 2 कैप्स लिए हैं और ये स्मॉल साइज़ के बेल्स लिए हैं, मीडियम साइज़ का क्रिस्टल्स लिए हैं। फ्रेंड्स, इन लटकन्स को मैंने बचे हुए मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया है। आई होप आपको ये लटकन ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नॉर्मल सीविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेना है और यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। नेक्स्ट हमें 6 मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स लेने हैं। जो क्रिस्टल्स का कलर होता है उसी कलर का हमें कॉटन थ्रेड यूज़ करना है। और अब इन सभी 6 क्रिस्टल्स को इस नीडल में इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद इन सभी क्रिस्टल्स को नीडल में इंसर्ट कर लेने के बाद इस कॉटन थ्रेड का ये जो नॉट है, इस नॉट में से हमें दोबारा से नीडल को पास कर लेना है और एक और नॉट बनाना है। इस तरीके से ये सभी बीड्स सर्कल शेप में आ जाएंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में से नीडल को दोबारा से पास कर लेंगे। टाइटली इन बीड्स को हमें पकड़ते हुए फिंगर में धागा फोल्ड करके इन दोनों क्रिस्टल्स के सेंटर में ये जो गैप है, यहाँ से हमें नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है। इस तरीके से ये सभी बीड्स सर्कल शेप में लॉक हो जाएंगे। उसके बाद ये जो मीडियम साइज़ का गोल्डन बीड है, इस बीड को हमें नीडल में इंसर्ट करके ये जो 6 क्रिस्टल्स हैं, इन क्रिस्टल्स के सेंटर में इस गोल्डन बीड को लाना है। इस तरीके से। और अब नेक्स्ट हमें ये जो 2 क्रिस्टल्स हैं, इनके सेंटर में ये जो गैप है, यहाँ से हमें नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। ये इस तरफ 3 क्रिस्टल्स और इस तरफ 3 क्रिस्टल्स आते हुए इस गैप में हमें नॉट लगाना है। और अब नेक्स्ट हमें नीडल में 2 स्मॉल साइज़ के गोल्डन बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन बीड्स हैं, ये सेंटर वाला गोल्डन बीड से भी थोड़े से छोटे बीड्स हैं। और इन दोनों बीड्स को इंसर्ट करने के बाद एक स्मॉल बेल हमें नीडल में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से 2 स्मॉल गोल्डन बीड्स इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें एक स्मॉल बेल इंसर्ट कर लेना है। इसी तरीके से 2 स्मॉल बीड्स इंसर्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट हमें एक स्मॉल बेल इंसर्ट कर लेना है। स्मॉल बेल को लेने के बाद फिर से हमें 2 गोल्डन बीड्स इंसर्ट करने हैं लास्ट में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 8 स्मॉल राउंड बीड्स और 3 स्मॉल साइज़ के बेल्स इंसर्ट किए हुए हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये 1 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब इसे हम साइड में रखेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह का मैंने एक और लाइन भी बनाया हुआ है। इन क्रिस्टल बीड्स को यूज़ करके एक और लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक्स्ट हमें गोल्डन कलर का कॉटन थ्रेड लेना है और यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। उसके बाद नीडल में हमें 6 मीडियम साइज़ के गोल्डन बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल 6 बीड्स को इंसर्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ये जो थ्रेड का नॉट है, इस नॉट में से हमें नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। इस तरीके से ये सभी बीड्स लॉक हो जाएंगे। और अब फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए ये जो नेक्स्ट वाला जो बीड है, इस बीड में से नीडल को पास कर लेना है। और अब हमें ये 2 बीड्स है, इनके सेंटर में से नीडल को पास करते हुए यहाँ पे एक और नॉट बनाएंगे। अब ये सभी बीड्स लॉक हो गए हैं, राउंड शेप में लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें ब्लू कलर का क्रिस्टल लेना है और अब इस क्रिस्टल को हम इन सभी 6 बीड्स के सेंटर में लाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अब हमें ये जो 2 बीड्स हैं, इन दोनों बीड्स के सेंटर में ये जो गैप है, यहाँ से हमें नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है। इस तरीके से ये क्रिस्टल लॉक हो जाएगा। उसके बाद नीडल में हमें 2 स्मॉल साइज़ के गोल्डन बीड्स इंसर्ट करके
एक स्मॉल लीव्स इंसर्ट कर लेना है। इस लीफ को इंसर्ट करने के बाद फिर से हमें दो स्मॉल गोल्डन बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टोटल 10 बीड्स और 5 लीव्स इंसर्ट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, मैंने लेटेस्ट सारी कुछ टसल्स डिज़ाइन, बीडेड बैकनेक डिज़ाइन ऑन स्टिच रिबल्स, ऑल्सो मैंने लटकन्स के भी वीडियोस बनाए हुए हैं। उन सभी का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आपको वो वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। ऑल्सो मैंने ग्रैंड ब्राइडल लटकन्स के वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं मैंने इस नीडल में टोटल 5 लीव्स और 10 बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं और अब ये थर्ड लाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लाइन गोल्डन बीड को यूज़ करके बनाया है और दो लाइंस क्रिस्टल्स को यूज़ करके बनाया है। इसी तरीके से आप चाहो तो 5 लाइन भी बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें इन तीनों लाइंस को मिलाते हुए यहाँ पे ये जो नीडल्स हैं, इन नीडल्स को हम कट करके पहले अलग कर देंगे। ये दोनों नीडल्स मैंने कट कर लिए हैं, इसे हम साइड में रखेंगे। और अब नेक्स्ट हमें इन सभी थ्रेड्स को मिलाते हुए यहाँ पे एक नॉट लगाना है। इन बीड के बिल्कुल नज़दीक ही हमें एक नॉट लगाना है। इन थ्रेड्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इस नॉट में से इन सभी नीडल्स को पास कर देंगे, ये एक नॉट बन जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने एक नॉट लगा लिया है। नेक्स्ट हमें ये इन सभी थ्रेड्स को मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे नीडल को भी इंसर्ट करके नेक्स्ट बीड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं और ये जो तीनों थ्रेड्स को जो मिलाया है हमने, यहाँ पर हमें इन तीन दो बीड्स को इंसर्ट कर लेना है। इन मीडियम साइज़ के दोनों बीड इंसर्ट कर लेने के बाद लास्ट में हमें एक कैप इंसर्ट कर लेना है। इन सभी थ्रेड्स में से हमें इस कैप को पास कर लेना है। फ्रेंड्स, अब ये लटकन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अब ये लटकन डोरी पे अटैच करने के लिए रेडी है। इसी तरह का एक और लटकन भी मैंने बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको ये लटकन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।